बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैजल टैबलेट के बारे में। ये फ्लैजल के बारे में तफसीली वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिए गया, शुक्रिया। इसका फार्मूला है मेट्रोनिडाजोल। ये मुख्तलिफ कंडीशंस में इस्तेमाल होती है, बहुत से मुख्तलिफ कंडीशन में इस्तेमाल होने वाली दवाई है। मसलन दांतों के ज़ख़म के लिए अमीबियासिस, ये एक पैरासाइट की वजह से होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो आंतों को इन्फेक्ट करता है, एनारोबिक इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, बैक्टीरियल एनारोबिक इन्फेक्शन में। एनारोबिक बैक्टीरिया वो जरासीम है जो उस जगह पर भी सर्वाइव करता है और नशोनुमा पाता है जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो। मिसाल के तौर पर जो सेल टिशू इंजर्ड हो, ख़राब हो, ज़ख्मी हो, वहाँ पर भी ये जरासीम पहुँच जाता है। पेचश डाइसेंट्री में भी इस्तेमाल होती है, जीआरडियासिस, ये जहाँ पर पोर सैनिटेशन हो वहाँ पर ये पैरासाइट जीआरडिया लैमलिया होता है और पानी के ज़रिए से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, तो इस जीआरडियासिस के लिए भी फ्लैजल काबिल इस्तेमाल है। और ये दस्त की वजह बनती है जीआरडियासिस, तो इसके लिए भी फ्लैजल ठीक है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होती है, ये सारे पैरासिटिक डिजीज़ है। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी ऑपरेशन से पहले दिया जाता है इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए। ऑपरेशन के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह की शक हो तो उसके लिए भी फ्लैजल इस्तेमाल होती है। ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ट्राइकोमोनास वेजनेलस पैरासाइट की वजह से होती है, इसमें बीवी की जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उससे फूल स्मेल आता है, एक ख़ास किस्म की बदबू आती है, उसमें भी काबिल इस्तेमाल है। इसके अलावा भी बहुत से ज़्यादा इंडिकेशंस है फ्लैजल की। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियल वेजनोसिस में इस्तेमाल होती है, क्लास्ट्रिडियम डिफिसाइल कोलाइटिस में इस्तेमाल होती है, क्रोन्स डिजीज़, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस, सीएनएस इन्फेक्शंस, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एच पाइलोरी इन्फेक्शन मैदे के जरासीम में भी एक मौसर दवा है, यानी एच पाइलोरी के मुकम्मल इलाज का एक जुज़ है। फ्लैजल का मेकनिज़म एक्शन, तरीक़े अमल, यानी किस तरह ये अपना असर ज़ाहिर करता है मेट्रोनिडाजोल, तो जब हम ये खाते हैं तो इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, तोड़ पोड़ शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले इसकी रिडक्शन होती है, तो इसकी नाइट्रो ग्रुप से फ्री नाइट्रोसो रेडिकल बन जाती है। ये मेट्रोनिडाजोल की रिड्यूस फॉर्म और फ्री रेडिकल मिलके जरासीम के डीएनए पर अमल करता है, इसके नतीजे में डीएनए की तैयारी रुक जाती है और डीएनए डिग्रेड होती है और जरासीम के डेथ वाक़ हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर एक खुलवी जानदार होती है, तो इसकी जब डीएनए मुतासिर होती है तो इसकी रिप्लिकेशन नई जरासीम बनने का अमल स्टॉप हो जाती है। नतीजतन रिप्रोडक्शन अफजाइश नसल इसकी नहीं होती और बाकी मानदा जरासीम जिसम के इम्यूनिटी या दवाइयों के असर की वजह से ख़त्म होती है। इन जरासीमों का सबसे ख़तरनाक काम अफजाइश नसल होती है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक इसकी अफजाइश नसल रोकती है, तो फिर इसका जो बीमारी पिलाने का काम है, बीमारी फैलने का काम है, वो फिर नहीं कर सकती जरासीम और बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में आती है ज़्यादातर वो ख़तरनाक असरात जो 10% से ज़्यादा लोगों में आती है जो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो है सर दर्द, मथली आना और विजानाइटस, विजाना की इन्फ्लेमेशन वगैरह, ये 10% से ज़्यादा लोगों में ये असरात आते हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 10% के लोगों में जो असरात, जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो है मसलन चक्कर आना, पेट दर्द, या बाज़ लोग इसको कहते हैं कि ये सर दर्द, इससे याद आया, बाज़ लोग कहते हैं कि फ्लैजल पेट दर्द के लिए काम करता है, तो उनके लिए अर्ज़ है कि फ्लैजल के साइड इफ़ेक्ट्स में पेट दर्द आता है, न कि ये पेट दर्द को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। मुंह का खुश्क होना, बाज़ लोग कहते हैं मुंह के खुश्क होने का इलाज क्या है, तो भाइयों
80% मुँह का खुश्क होना जो है जीरोस्टोमिया जो है ये दवाइयों की वजह से होती है। फ्लैजल के मुज़िर असरात में शामिल है मुँह का खुश्क होना, तो ये भी फ्लैजल की साइड इफ़ेक्ट है। मेटालिक टेस्ट भी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। डिस्मिनूरिया, यूरिन एबनॉर्मलिटी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फेरेंजाइटिस, सिनोसाइटिस। याद रहे कि ये मुज़िर असरात सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से लेकर 10% लोगों में ये असरात आते हैं। फ्लैजल जो है प्रेगनेंसी इसकी कैटेगरी है, कैटेगरी बी में आता है, यानी हमल के दौरान ये मुकम्मल महफूज दवा है। मगर दूध पिला माए जो है एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए उनको, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ये जा सकता है ये दवाई। इसके इंटरेक्शन की तरफ आते हैं, फ्लैजल को डाइसल्फ्यूराम के साथ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइकोटिक रिएक्शन कास करता है। डाइसल्फ्यूराम जो लोग शराब पीती है अल्कोहलिज्म की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। दूसरा इंट्रैक्शन इसका है ओरल एंटी कोआगुलेंट के साथ, यानी वारफरिन, ज़िराल्टो, रिवारो, रिवारुक ज़बैन वगैरह के साथ इकट्ठे इस्तेमाल करने से इनका असर ज़्यादा करता है एंटी कोआगुलेंट्स का। लीथियम के साथ भी अगर यूज़ हो जाए तो लीथियम की टॉक्सिसिटी का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन और 5-फ्लोरोरसिल के साथ भी इंटरेक्शन है इसकी। बोसल्फान के साथ भी इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। फिनोबारबिटॉल और फिनाटाइन के साथ भी इसकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस है। इसकी जनरल कंसंट्रेशन में आता है कि इस दवाई को खुराक से पहले या बाद में दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी शराब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ हालतों में इसकी जो डोज है और फ्रीक्वेंसी है वो मुख्तलिफ है, मगर 400 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल होती है और 3 दफ़ा भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 से 10 दिनों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।